इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक हमारा पहला ये इक्वेशन, दूसरा हमारा ये इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना और एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं वी हैव, जो हमारे पास में एक इक्वेशन दिया हुआ है यानी कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, इसको हम पहले क्या करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में इसको बनाते हैं सॉल्व करके। तो एलसीएम हमारा ए बी हो जाएगा, हमारा ऊपर हो जाएगा बी एक्स और ये हमारा हो जाएगा ए वाई इक्वल टू टू। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू टू ए बी, ये हमारा हो गया इक्वेशन वन। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा जो दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कुछ चेंजेज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। अब इसमें देख रहे हैं कि वाई का कोफिशियंट ए है, यहाँ वाई कोफिशियंट बी है, हम एक्स के कोफिशियंट को भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम वाई को भी देख रहे हैं क्योंकि साइन हमारा यहाँ प्लस या माइनस दस मिनट को जोड़ना पड़ जाएगा। तो जो हमारे लिए ईजी पड़े हम वही करेंगे। तो हम यहाँ वाई कोफिशियंट ए है फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकेंड को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकेंड इक्वेशन में वाई कोफिशियंट बी है तो फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिफरेंट साइन है तो जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन वन इंटू बी एंड इक्वेशन टू इंटू ए वी गेट, बी से पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, हमारा हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर, इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को तो हो जाएगा ए क्यूब, फिर माइनस हमारा ए से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, जोड़ देना है तो हमारा एक्स एक्स कॉमन, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा बच जाएगा, एक्स हमारा कॉमन निकल जाएगा, ये कट गया, इक्वल टू ये हमारा ए क्यूब हो गया, और फिर टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर मीन्स प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसमें हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, दोनों में से ए कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम एक्स को अलग करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये और ये दोनों कट जाएगा यानी कि हमारे पास में एक्स का वैल्यू बचा ए। अब इसी ए के वैल्यू को पुट कर दीजिए या तो वन में या तो टू में, हम वन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन वी गेट, वन में हमारा बी एक्स है मीन्स बी इंटू एक्स का वैल्यू ए प्लस हमारा ए वाई इक्वल टू टू ए बी, हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस ए वाई इक्वल टू टू ए बी। अब यहाँ पर हमारा ए वाई इक्वल टू टू ए बी माइनस ए बी मीन्स ए वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी, जिसमें से वाई इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए, और ये ए ए हमारा कैंसिल हो गया, मतलब वाई का वैल्यू हमारा हो गया बी, और हम लिखेंगे हैंस एक्स का वैल्यू हमारा ए हो गया एंड वाई का वैल्यू हमारा बी हो गया आंसर।